हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम साड़ी ड्रेपिंग करने वाले हैं फॉर पूजा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक साड़ी चाहिए होगी, तो आज मैं कॉटन की कोटा डोरिया साड़ी के साथ ये ड्रेपिंग कर रही हूँ पूजा के पर्पज़ से। ये जो साड़ी का पैटर्न है, साड़ी का जो स्टफ है, वो बहुत ही परफेक्ट है। कलर अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। पूजा में यूजुअली हम येलो या रेड पहनते हैं, सो ये साड़ी बहुत ही सुंदर सी है। गर्मियों के हिसाब से भी बहुत वाइब्रेंट सी, बहुत प्यारी सी है। सबसे पहले हम पेटीकोट पहनने के बाद इसको टक करना शुरू करते हैं। पेटीकोट का जो बांधने वाला साइड होता है, आप चाहो तो उसको सबसे कॉर्नर में भी कर सकते हो और चाहो तो सबसे फ्रंट में भी कर सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद ड्रेप करने के बाद, जो रफली ड्रेप हमने की है, हम टक करते गए हैं, हम एक मार्जिन लेंगे कि हमें पल्ला कितना बड़ा बनाना है। पल्ले का मार्जिन हमेशा लेना, मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि पल्ले का मार्जिन ज़रूर ले लिया करिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी, बाद में पल्ला छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन ले लिया है। अब मैं साड़ी की फ्रंट प्लीट्स बनाना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर वाला पार्ट इसका पकड़ के साइड में खींच के थोड़ी सी शेप बनानी है। कई बार साड़ियाँ बिना शेप के आप पहनते हो तो वो साइड से बहुत अजीब सी लगती हैं, तो यहाँ पर एकदम सीधा करते हुए पहले शेप बनाएंगे, हल्का सा मोड़ेंगे और पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से क्या होगा कि ये शेप जो है परफेक्ट ऐसी ही बनी रहेगी। ये हमारे बैठने में, उठने में, डांस करने में, कुछ भी करने में ये हिलेगी नहीं। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट बच रहा है साड़ी का, जो बचा हुआ हिस्सा है, इससे हम प्लीट बनाना शुरू करेंगे। फ्रंट प्लीट्स जो होती हैं उनको छोटा छोटा करके बनाना शुरू करेंगे। ज़्यादातर मैं उस साइड से शुरू करती हूँ, बट आज मैंने इस तरफ से शुरू किया है जस्ट टू चेक कि ये कितना परफेक्ट जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इधर से शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि ये वाली प्लीट्स कैसे बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स बनाना शुरू किया है। बहुत बड़ी बड़ी नहीं, सारी एक बराबर की प्लीट्स बननी चाहिए, सारी प्लीट्स बराबर होनी चाहिए। बनाने के बाद इसको हल्का सा झटकना है। कोटा डोरिया है तो हल्का सा ना, हल्का सा फूली हुई सी है, तो इसको नीचे से भी अच्छे से झटक के अच्छे से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी प्लीट्स बराबर कर ली हैं। प्लीट्स को बराबर करने में भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन बराबर ज़रूर कर लिया करिए, बिकॉज उससे ही अच्छा और परफेक्ट लुक आता है। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। अब मैंने इसको टक इन कर लिया है। टक इन करने के बाद हमारा पार्ट अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, अभी अपने को बहुत सारा काम करना है। सो कुछ इस तरीके से साड़ी लगेगी। ये जो एक्स्ट्रा वाला है इसको हल्का सा करते हुए पीछे की तरफ टक कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे वाली जो प्लीट्स हैं इनको भी सेट करना है, हल्का सा ऊपर करके हाथों की हेल्प से इसको प्रेस कर लीजिए। हाथों की हेल्प से क्या होता है, आप जब प्रेशर से अपने हाथ चलाते हो तो वैसे भी एक जगह बैठ जाती है। तो कुछ इस तरीके की साड़ी ये हो चुकी है। अब हम बनाएंगे फ्रंट वाली प्लीट, बिकॉज फ्रंट वाली मतलब अब हम कंधे के ऊपर जो पल्लू आता है वो बनाएंगे, और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो कंधे के ऊपर वाला हम अंदर की साइड से शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग बाहर की साइड से भी शुरू करते हैं। बाहर की साइड से जब आप शुरू करते हो तो उसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि जो पीछे का हिस्सा बचता है ना, उसको आप छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने प्लीट्स बना ली हैं सारी एक बराबर की। इनको सेट कैसे करना है, देखो, सबसे पहले आपको हल्का सा हाथ ऊपर ले जाना है और सारी प्लीट्स को बराबर बराबर सेट करना है। एकदम नीट और क्लीन रहनी चाहिए आपकी सारी प्लीट्स, भले थोड़ा टाइम लगे। ये मैंने बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं लगाया है, मैंने प्रॉपर आपको रियल टाइम दिखाया है कि जब आप एक कॉटन की साड़ी पहनते हो, कोटा डोरिया पहनते हो, तो आपको टाइम लगता है, बिकॉज़ ये एक बार में नहीं चिपकती है, थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। यहाँ पर अभी भी ये सेट नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से सेट कर रही हूँ। इसको बीच बीच में पकड़ते रहना, या फिर आप चाहो क्लिप लगा लो, लेकिन वो ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता कि आपको साड़ी पहन, आप कहीं गए हो तो आप क्लिप लेके साथ में थोड़ी चलोगे। तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है, कंधे पर रख लिया है, और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है बॉर्डर का, उसको हल्का सा ऊपर करके निकाल देंगे, जिससे कि वो दिखे साइड से और अच्छा लगे। तो यहाँ पर आपको खींच के अच्छे से करना है, क्योंकि साइड में हम पहले ही पिन लगा चुके हैं कमर के पास, तो यहाँ पर अच्छे से खींच के टाइट करना है ताकि साड़ी पूरी टाइट बंधी रहे। यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ। पिन लगाने में मुझे इतनी मेहनत लगती है, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जान निकल गई पिन लगाने में। तो ये कुछ इस तरीके की प्लीट्स बनेंगी, और ये बहुत प्यारी लगती हैं। और कॉटन की जो कोटा डोरिया साड़ियाँ होती हैं, फिर कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, इनमें आप ना सिंपल गोल गले का ब्लाउज़ बनवाओ, अच्छा लगेगा। ये परफेक्ट शेप आएगी, बहुत सुंदर लग रहा है। बिना सारी शेपर पहने ही बहुत परफेक्ट शेप आती है। और अगर लगे कि पल्लू में अभी भी कमी रह गई है, तो बनने के बाद, पूरा पहनने के बाद, आप इसको ऐसे सेट करके और अच्छे से हाथ से मोड़ के प्रेस टाइप का कर लो।
आपके हाथों से जो प्रेशर लगता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप हाथों का प्रेशर अपनी साड़ी पे ज़रूर दिया करिए, इससे बहुत अच्छे तरीके से आपकी साड़ी जो है वो सेट हो जाती है। सो ये है मेरा फाइनल साड़ी ड्रेपिंग। आई जस्ट होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके बाद मैं ज्वेलरी पहन लूँगी। ज्वेलरी के लिए मैंने ये वाला सेट चूज़ किया है कि मैं ये पहनूंगी। इसके बाद मैं चूड़ियाँ पहनूंगी, कड़े पहनूंगी और सारी चीज़ें रेडी हो जाऊंगी। सो बेसिकली ये एक रियल गेट रेडी विद मी फॉर पूजा है कि अगर आपको पूजा में बैठना है तो आप साड़ी तो हल्की पहनोगे, ज्वेलरी थोड़ी हैवी पहन लोगे तो वो अच्छा लगेगा। खैर गर्मी बहुत है, पहनने में लगेगा कि पहनना है कि नहीं पहनना है, तो आप चाहो तो ज्वेलरी वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, बट ऐसा लगा कि ज्वेलरी पहन सकते हैं तो फिर इसलिए पहन ली थी। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर गोल्ड की ज्वेलरी या फिर कुछ और पहन सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। इयररिंग्स मैंने छोटे छोटे पहन लिए हैं जो कि इसके मैचिंग की ही हैं। इसके बाद मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, पिंक कलर की चूड़ी सिर्फ पहन रही हूँ, येलो नहीं पहन रही बिकॉज पूरी साड़ी में येलो ही है और येलो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पिंक चूड़ी ही पहन रही हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।